हाँ जी, तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी गाड़ी का क्लच जो है वो खराब हो गया है या बदलने की सिचुएशन में आ गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका क्लच बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है तो समझ लीजिए कि आपका क्लच जो है वो चला गया है, आपको बहुत ही जल्द मोटा खर्चा झेलना पड़ सकता है। मतलब जैसी आपकी गाड़ी आई थी उससे बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है अब अपने क्लच में, तो समझ लीजिए कि क्लच गया। दूसरा है कि अगर आपको क्लच पूरा दबाने के बावजूद भी आपकी जो गियर स्टिक है वो प्रॉपरली गियर जो है वो ना डल रहे हो, अगर प्रॉपरली गियर स्लॉट हो रहे हैं क्लच दबाने के बाद ऐसे स्टेशनरी सिचुएशन में, तो सही है, अदरवाइज जो है आपके क्लच में काम होने की जरूरत है। अगर ऐसे आपके जो गियर्स हैं वो स्टेशनरी सिचुएशन में क्लच दबाने के बाद नहीं जा रहे। तीसरा, अगर आपकी गाड़ी सडनली बहुत ही ज्यादा तेल खाने लगी हो यानी कि माइलेज बहुत ज्यादा कम हो गई हो, तो समझ लीजिए ये भी एक बहुत मोटा इंडिकेशन है कि आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो वेयर आउट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम देखते हैं कि स्लिपेज तो नहीं हो रही क्लच के अंदर, तो वो कैसे देखी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को जो है वो अपनी गाड़ी की आप हैंड ब्रेक लगा लेंगे, हैंड ब्रेक के बाद आप अपनी गाड़ी को तीसरे गियर में डालेंगे, तीसरे गियर में डालने के बाद आप जो है वो क्लच को छोड़ेंगे और देखेंगे कि आपकी गाड़ी जो है वो फौरन बंद होनी चाहिए जैसे ही हमने क्लच छोड़ा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ही हमने क्लच छोड़ा वैसे ही हमारी गाड़ी बंद हो गई। अगर थोड़े टाइम बाद आपकी गाड़ी बंद हो रही है, मतलब सडनली जैसे ही क्लच छोड़ा वैसे ही बंद नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम उसने लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्लच है वो स्लिपेज कर रहा है और आपको जो है वो नया क्लच डलवाने की जरूरत है। इसके अलावा एक और ट्रिक है, ज्यादातर जो क्लच होता है वो स्लिप मारता है हायर गियर रेशियोज पे, यानी कि जब आप तीसरे गियर या चौथे गियर पे होगे तब आपको ये चेक करना है कि नॉर्मली जब आप चौथे गियर पे चल रहे हैं आपको सडनली गैस पैडल पे जो है वो अपना पावर रख देना है, यानी कि सडल आपको रेस देनी है गाड़ी के अंदर, और आपने देखना है कि जिस हिसाब से आपके गाड़ी का आरपीएम मीटर जो है वो बढ़ रहा है उस हिसाब से आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी के आरपीएम तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन उतनी ही तेजी से आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आपको अपना क्लच बदलवाने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूं कि ये सिचुएशन आपको कैसी दिखेगी, यानी कि आपको कैसा दिखेगा स्पीडोमीटर जब आप एकदम से रेस देंगे हायर गियर्स पे और आपका आरपीएम मीटर बढ़ेगा लेकिन आपकी स्पीड जो है वो उसके रेशियो में नहीं बढ़ेगी। तो अगर ऐसा है तो आप देख लीजिए, मैंने वीडियो क्लिप डाल दी है इसमें, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपको गियर बदलवाने की जरूरत है, अदरवाइज बिल्कुल सही है, आपके गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी आपके क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मैंने आपको ट्रिक्स और टेस्ट बताए हैं ये रोज मत करने लगिएगा, क्योंकि ये करने से आपकी गाड़ी को नुकसान होता है। वंस इन अ व्हाइल कभी चेक करने के लिए एक साल दो साल बाद तो आप ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ये नहीं कि आप हर दो महीने बाद इन टेस्ट को परफॉर्म करने लगे और आपकी गाड़ी में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आते हुए भी आ गई। तो मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, अगली वीडियो में डालूंगा आई कार्ड में बटन डाल दूंगा, वो हम बनाएंगे कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो बहुत जल्दी वेयर आउट होता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं या अनजाने में लोग जो है वो हरकतें करते हैं, वो हैबिट्स जो है वो अपना लेते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी का क्लच बहुत जल्दी चला जाता है। तो वो वीडियो भी मैं जल्द डालने वाला हूं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, और किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके अलावा अगर आपको पता है कि कोई और तरीका है, कोई और ट्रिक है जिससे आप अपने क्लच के बारे में पता कर सकते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो हम किसी दूसरी वीडियो में उसको इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू।